नमस्कार दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि हम आने वाली उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती के लिए पूरा बैच लेके आएंगे, जिसमें हम आपकी जीरो से लेके अपर लेवल तक पूरी तैयारी करवाएंगे और आपका सिलेक्शन दिलवाएंगे। तो दोस्तों, उसी दिशा में एक अगला कदम बढ़ाते हुए हम आप लोगों के लिए लेके आए PYQs। जी हाँ दोस्तों, मैंने अपनी स्ट्रेटेजी वीडियो में PYQs यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में बहुत डिटेल में बात की थी और काफ़ी जोर देकर बताया था कि वो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आज मैं सॉल्व करवा रहा हूँ, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों, वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको इससे बहुत ही ज़्यादा फायदा होने वाला है। आप लोग खुद ही समझ जाएंगे कि मैं PYQs के बारे में इतना ज़्यादा क्यों कह रहा था। तो दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता दूं कि ये जो पेपर है, ये जो क्वेश्चंस हैं, ये 28 जनवरी 2019 की सेकंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें से लिए गए हैं। आप लोग अगर यकीन ना हो तो डाउनलोड पेपर डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें रीजनिंग का, वह PQR प्रोपोर्शनल टू UTS और LMN, तो इसके बाद क्या होगा। तो जिस प्रकार PQR UTS से संबंधित है, उसी प्रकार LMN है वो किससे संबंधित होगा। हमारे पास ऑप्शन, जैसा कि आप क्वेश्चन देख रहे हैं आगे लगा हुआ है बोर्ड पे, उसमें ऑप्शन जो दिया है, पहला है OPQ, दूसरा NML और तीसरा है QPO और चौथा जो ऑप्शन है वो हमारा PQO। तो दोस्तों, इसको सॉल्व कर देंगे कि 2 सेकंड का काम है। जैसे कि PQR, P की वैल्यू यहाँ पे होती है 16 और यहाँ पे U की जो वैल्यू होती है वो होती है 21 और ये होती है 16। तो देख लेते हैं इसमें कितना ज़्यादा डिफरेंस है। सीधा 5 का डिफरेंस है और इसमें देखते हैं तो यहाँ पे +3 का और इसमें देखते हैं तो सीधा +1 का जो है डिफरेंस है। तो ऐसे ही इसको जब लेके चलेंगे तो L में जब हम +5 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा वो होगा Q, और ऐसे ही इसमें जब हम +3 जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P और यहाँ पे जब हम 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा O। तो इस प्रकार से हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है, ऑप्शन नंबर C जो है वो हमारा सही आंसर। देखिए, मुश्किल से 15 सेकंड लगा होगा, हो गया ना। अगला क्वेश्चन 1, 8, 27, 64 ऐसे दिया, उसके बाद ये संख्या पूछ ली गई। हमारे पास जो ऑप्शन है, आप देख रहे हैं क्वेश्चन में, हमारे पास जो ऑप्शन दिया है उसमें 125, 135, 145 और 155 है। तो दोस्तों, देख लेते हैं, ये है 1 का क्यूब, ये है 2 का क्यूब और ये है 3 का क्यूब और ये है 4 का क्यूब। तो अगला आप तुरंत समझ गए होंगे ना, अगला होगा 5 का क्यूब यानी कि 125। ये हमारा आंसर है, खट से हो गया। अब हमारा जो तीसरा क्वेश्चन है, देखिए, जैसे इसमें डॉक्टर का संबंध नर्स से, मतलब सीधा क्वेश्चन में बोल दिया कि निम्नलिखित विकल्पों में से प्रत्येक के शब्दों के जोड़े हैं, मतलब हर शब्द का एक जोड़ा है। प्रश्न में दिए गए जोड़े से मेल खाता हुआ जोड़ा छाटिए, ढूंढिए। तो हमको ये प्रश्न दे दिया गया, डॉक्टर और नर्स, जिस प्रकार डॉक्टर का संबंध नर्स से उसी प्रकार इन ऑप्शंस में से किसका संबंध दूसरे से है। तो जैसे जज और वकील, तो डॉक्टर के नीचे नर्स काम करती है और इन दोनों का एक रिलेशन होता है। लेकिन जज और वकील, माना कि जज जो है और वकील, इन दोनों में एक संबंध होता है लेकिन जज के नीचे वकील काम नहीं करता है। रसोइया और बैरा, इनमें भी संबंध नहीं बनता है। इंजीनियर और वाहन चालक, जैसे कि इंजीनियर है तो इंजीनियर गाड़ी बनाता है लेकिन वाहन चालक गाड़ी नहीं था, वाहन चालक गाड़ी चलाता है, इनमें कोई संबंध नहीं, एक दूसरे से स्वतंत्र है। लेकिन मालिक और कर्मचारी, मालिक के आदेश पे कर्मचारी काम करता है, वैसे ही जैसे डॉक्टर के आदेश पे नर्स काम करती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जज के आदेश पे वकील काम नहीं करता, रसोईया के आदेश पे बैरा काम नहीं करता, इंजीनियर के आदेश पे वाहन चालक काम नहीं करता। दोस्तों, 3 क्वेश्चन हो गए ना। दोस्तों, आप लोगों को एक बात बता दूं, जिस दिन मैं अपना बैच शुरू करूंगा, बैच लॉन्च करूंगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ आग लग जाएगी। इतना समझ लीजिए कि एक हम लोगों का चैप्टर होता है डायरेक्शन का, एक चैप्टर होता है फिगर काउंटिंग का। मैं गारंटी लेता हूँ डायरेक्शन के चैप्टर में बिना फिगर के आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, बिना देखे, बस आप क्वेश्चन देखेंगे और क्वेश्चन सॉल्व 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, मैं गारंटी दे रहा हूँ। अब दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन जो है उसमें दिया गया है CARABINE। इस शब्द से ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनता है। ऑप्शन दिए हमारा कार्ब है, बेयर है, राइस और नाइन है। तो कार्ब देख लेते हैं, CAR और B, तो कार्ब तो हमारा बन जा रहा है, ठीक है। तो पहला हमारा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी जो है
बीयर, तो BAR और E ये भी बन जाएगा। तीसरा है राइस, RICE, राइस भी बन जाएगा। लेकिन अब हमारे पास ऑप्शन बचता है बी, अब देखिए उसमें लिखा है 9, तो NI और ई तो मिल गया, लेकिन दूसरा एन नहीं है, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आंसर बी, यानी कि 9 जो है ये इससे नहीं बनेगा। अब देखते हैं अपना पांचवा क्वेश्चन। हमारा जो पांचवा क्वेश्चन है इसमें लिखा गया कि निम्नलिखित शब्दों में से अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार, इसमें जो स्वर है मतलब वॉवेल्स हैं वो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रमानुसार नहीं है। तो जैसे हमारा जो पहला ऑप्शन है ऑप्शन ए, इसमें दिया है AER IOUS। ऑप्शन सी जो हमारा दिया है वो है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। अब हम अगर चारों ऑप्शंस को देखते हैं तो पहले ऑप्शन में हमको ए मिल जाता है, फिर ई मिल जाती है, फिर आई ओ यू एस मिल जाता है। ऑप्शन सी में, ऑप्शन डी में जब हम देखें तो हम तुमको ए मिलेगा, MATEIOUS। ऑप्शन बी में हम देखेंगे तो पहले ए मिल जा रहा है, फिर ई मिल जा रही है, IOUS। तो ये भी हमारा सही, ये भी हमारा सही। ऑप्शन डी जो है वो है ACTIOUS। अब इसमें ए मिल जा रहा है, EIOUS मिल जा रहा, लेकिन जब हम ऑप्शन सी की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले आई मिल जा रहा है, तो यहीं पे ये गलत हो जा रहा है। तो हमारा जो सही आंसर है वो आंसर हमारा है ऑप्शन सी। तो दोस्तों इस प्रकार से हम पांच क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब आप लोग देख रहे होंगे कि यूपी पुलिस की रीजनिंग का लेवल क्या है और आप लोग पढ़ क्या रहे हैं, जाते हैं बड़ी बड़ी कोचिंग्स में, आपको 4-5 क्वेश्चन टफ टफ दिखा देते हैं और फिर आप उनको ही अपना भाग्य विधाता समझ लेते हैं कि आपकी नैया वही पार लगाएंगे। हम लोगों की तो बात आप लोग सुनते नहीं है। कितनी बार मैंने कहा होगा कि जाइए हमारा जो करंट अफेयर का चैनल है बिना यूपीपी नाम का, उसको आप सब्सक्राइब करिए, वहां पे डेली करंट अफेयर की क्लासेस चल रही, लेकिन क्या ही आप लोग सुनेंगे भाई, आप लोगों को तो सुनना नहीं है। चलिए खैर कोई नहीं, PYQs करवाते हैं, 50% तैयारी आपकी यहीं से हो जाएगी, अगली तैयारी जो बचती है 30-35% वो हम लोग पूरा बैच करवा के आपकी तैयारी कंप्लीट करवाते हैं। हम लोगों का सिर्फ एकमात्र मकसद है आप लोगों को यूनिफॉर्म दिलवाना, आप लोगों की नौकरी लगवाना। लेकिन आप लोग हैं जो शिक्षा व्यापार है, तथाकथित शिक्षा व्यापार, बड़ी कोचिंग्स, आप लोग उसमें उलझे पड़े हैं, एक एक घंटे की करंट अफेयर क्लासेस ले रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है। भाई एक घंटा करंट अफेयर पढ़ के क्या करोगे, 10 मिनट पढ़ो ना, क्योंकि करंट अफेयर जो पढ़ा रहे हैं उसमें से गारंटी नहीं कि आएगा। लेकिन आप अगर एक घंटा रीजनिंग पढ़ लेंगे तो आपके कम से कम 4-5 कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और गारंटी है कि उस कॉन्सेप्ट से अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप सॉल्व करेंगे और 2 नंबर आपके होंगे हर क्वेश्चन के। अगर आप 5 क्वेश्चन सॉल्व किए तो आपके 10 नंबर होंगे, आपका रैंक बढ़ सकता है, आप PSC से सिविल में जा सकते हैं, सिविल से PSC में आ सकते हैं। लेकिन करंट अफेयर से कुछ नहीं होना गुरु, 10 मिनट पढ़िए बस, और जाइए डिस्क्रिप्शन में मेरे चैनल का लिंक दिया है, वहां पे सब्सक्राइब करिए और देखिए डेली करंट अफेयर क्लास आ रही 10 मिनट की, जो आप एक घंटे में पढ़ रहे हैं वहां पे मैं 10 मिनट में पढ़ा रहा हूँ डेली। लेकिन आप लोग, छोटा चैनल आप लोग मेरा आप लोग देखेंगे नहीं, खैर चलिए कोई नहीं। हमारा अगला जो 6ठा क्वेश्चन है, क्वेश्चन लग गया होगा, 6ठा क्वेश्चन जो हमारा है उसमें कहा गया है कि जैसे रिच संबंधित है 4279 से, सुनो संबंधित है 8396 से, उसी प्रकार क्वाइन किससे संबंधित है। तो इसमें हम 3 चीजें देखते हैं। सबसे पहले हम इनका जो नंबर ऑफ प्लेस है कि R18 है, I9 है, C3 है, H8 है, इसे देखते हैं रिलेट करके, नहीं हो रहा। तो फिर हम दूसरा देखते हैं इनकी मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, उससे भी नहीं होता। तो फिर हम एक और चीज देखते हैं कि ये जो नंबर है इसका प्रॉपर नंबर यहाँ पे किया क्या दिया गया। जैसे R है तो R का नंबर यहाँ पे 4 दिया गया, I का नंबर यहाँ पे इन्होंने दिया 2, C का 7, H का 9। तो इस प्रकार हम देखते हैं यहाँ पे जैसे C है तो C के लिए हम यहाँ पे लिख ले रहे हैं 7, O है, O के लिए हम लिख ले रहे हैं 9, I है, I के लिए 2, और N के लिए हम लिख ले रहे हैं 3। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है, अगर ऑप्शन है तो हमारा क्वेश्चन सही है। तो जी हाँ दोस्तों, ऐसा ऑप्शन दिया गया है, तो ये क्वेश्चन हमारा सही है।
अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा दिया गया है, इसमें सीधे सीधे कहा गया है, एक 3 इक्वेशन दी गई हैं और इसमें किसी एक को छांटना है। इसकी बहुत ही सिंपल ट्रिक और बहुत अच्छी ट्रिक है, चलिए देखते हैं कैसे। 3, 6, 3, 9 इसकी इक्वेशन दी गई है। वाटर इज ड्रिंक। अगली जो इक्वेशन दी गई है वो हमारी है 3, 1, 6 और इसका जो इक्वेशन है जूस इज ड्रिंक। और जो तीसरी इक्वेशन दी गई है वो है 2, 1, 9 और वाटर आर जूस। अब इसमें पूछ लिया गया कि आर का मतलब आर के लिए किस कोड का यूज किया गया। सिंपल है, बहुत टफ नहीं है, चलिए देखते हैं कैसे होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में मैच करते हैं कि कोई चीज है जो इधर इधर दोनों साइड में LHS लेफ्ट हैंड साइड एंड RHS राइट हैंड साइड दोनों में कोई चीज कॉमन मिलती है। अगर एक से ज्यादा चीजें कॉमन मिल जाती हैं तो फिर वहीं पे छोड़ देते हैं, जैसे कि यहाँ पे वाटर और ड्रिंक है, नहीं इज और ड्रिंक है, इज और ड्रिंक है, दो चीजें इधर कॉमन है और इधर 6, 6 और 3, 3 दो चीज कॉमन है, देन क्लियर ही नहीं हो पाएगा किस चीज का कौन सा कोड है। यहीं पे इसको स्किप कर देते हैं और फिर क्या करते हैं, 1 और 3 इसमें मैच करते हैं, देखते हैं कुछ कॉमन मिल रहा है तो वाटर इज ड्रिंक इधर कॉमन मिल रहा है और इधर वाटर आर जूस कॉमन मिल रहा है, मतलब कॉमन कॉमन क्या है, वाटर वाटर, इधर कॉमन क्या है, 9, 9 देन वाटर की जो वैल्यू है, वाटर का कोड है वो हो गया 9। अब देखते हैं इसमें और इसमें, या इसमें इसमें मैच करके देख लेते हैं, तो चलिए इसमें और इसमें मैच करके देख लेते हैं। जैसे वाटर का तो पता चल गया, अब बचा हमारे पास जूस, जूस और जूस, इसमें से कुछ कॉमन देख लेते हैं, तो इधर मिल गया जूस और जूस कॉमन मिल गया और इधर क्या कॉमन मिल रहा है, 1 और 1 तो जूस की जो वैल्यू है वो मिल गई 1। अब हमको पूछ क्या रहा है, आर, और इधर क्या बच रहा है, सिर्फ 2, तो आर की जो वैल्यू है वो बच गई 2। दिस इज आंसर, वेरी सिंपल यार, बहुत आसान क्वेश्चन आते हैं और आप लोग कहाँ फंसे हैं यार बड़ी बड़ी कोचिंग के चक्कर में। लेवल में आइए, सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए, अपना लेवल देख लीजिए, क्वेश्चन का लेवल देख लीजिए, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और कॉन्फिडेंस जब होता है ना तो इंसान किसी भी बाधा को पार कर जाता है। अरे यूपी पुलिस क्या चीज है, नॉर्मल चीज है, ऐसे आप यूं यूं झटके में उड़ा देंगे। खैर चलिए देखते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है HELIPAD हेलीपैड। जी हाँ दोस्तों, अगला क्वेश्चन दिया है हमारा, ये भी देखिए आप, मैंने आप लोगों को अपनी स्ट्रेटजी वीडियो में बताया था कि हमारे लिए नंबर से मतलब प्रॉब्लम्स ऑन नंबर और प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फाबेट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कितना ज्यादा क्वेश्चन उसका भरा पड़ा है। जैसे देखिए हमारा जो 8वां क्वेश्चन है हेलीपैड किससे रिलेट कर रहा है, JGNKRCF वहां दिख नहीं रहा होगा, चलो नीचे लिख लेते हैं, ये रिलेट कर रहा है JGNKRCF, ये इससे रिलेट कर रहा है। और अब हमसे पूछा गया है कि जो बॉय है इसका रिलेशन क्या होगा, तो देखिए इसकी वैल्यू क्या होती है, ये होता है 8, इसकी वैल्यू क्या होती है 10, इसकी क्या होती है 5 और इसकी क्या होती है 7, इसकी होती है 12, इसकी होती है 14 और इसकी होती है 9, इसकी 11 और 16, 18 और 1, 3, 4, 6 वेरी सिंपल, सब में सिर्फ 2 काउंट हो रहा है बस, और कुछ है ही नहीं, ऐसे जोड़ दो इसमें 2 हो जाएगा, डी इसमें 2 जोड़े आर, नहीं ऐसे ही करके बस डी W और A बस खत्म हो गया। बाई सॉरी वाई नहीं था, वो क्वेश्चन था बाई, तो ऐसे इसमें जोड़ेंगे, जब हम 2 जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा D और इसमें जब हम 2 जोड़ेंगे
तो हमारा हो जाएगा W, और इसमें जब दो जोड़ेंगे तो ये 25 है, और 25 दो 27 होता है, 27वें नंबर पे फिर से वापस आ जाता है हमारा A, तो ये हो जाएगा, बस ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन नंबर, देखिए कैसे है। सबसे पहले उन्होंने दे दिया कि जो प्लस है वो रिलेट करता है मल्टीप्लाई से, जो माइनस है, माइनस हमारा रिलेट करता है प्लस से, मल्टीप्लाई जो हमारा है वो रिलेट करता है डिवाइड से, और जो डिवाइड है, हमारा जो डिवाइड है वो रिलेट कर रहा है माइनस से। अब उन्होंने एक इक्वेशन दे दी, 9 माइनस 3 प्लस 1 और 6 इंटू 2। अब इसका पूछ रहे इन्होंने क्या मतलब है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, बस जहाँ पे माइनस है मतलब इन वालों से इसको इंटरचेंज कर देना है। तो यहाँ पे माइनस है यहाँ पे कर दो प्लस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे कर दो मल्टीप्लाई, यहाँ पे डिवाइड है यहाँ पे कर दो माइनस, और यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दो डिवाइड। देन इसका जब डिवीजन करेंगे तो ये हो जाएगा 3, फिर इसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 और यहाँ पे 3 माइनस 9। अब ये तीन कट जाएगा और हमारा आंसर बचेगा 9। ये सिंपल सा हो गया, हमारे 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। 10वां क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा जो 10 है उसमें सीधा सीधा कहा गया है कि एम ने एन से कहा, जो एम है, एम भाई साहब ने एन से कह दिया कि तुम मेरी बेटी। तो इसमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले एक फैमिली ट्री बनाना है। फैमिली ट्री में देखिए जिस बंदे की बात होती है उसको बीच में रख लेते हैं, अगर उसके माता पिता की बात करते हैं तो उनको नीचे लेके चलाते हैं, अगर उसके पुत्र पुत्रियों की बात करते हैं तो उनको ऊपर रखते हैं, अगर उसके समकक्ष जैसे कि उसकी बीबी है, बहन है, भाई है, इन सबको अगर बात करते हैं तो यहाँ पे ऐसे ऐसे उसके इक्वल में लेके चलते हैं। तो ये होगी फैमिली ट्री की बात। अब दोस्तों हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एम ने एन से कहा, तो जैसे एम है, सबसे पहले एम को मैंने लिख लिया, एम का जेंडर मुझे नहीं पता कि क्या है, इनका भी जेंडर भी नहीं पता है, चलिए अब देखते हैं कैसे पता करेंगे। तो एम ने एन से कहा कि आप हमारी बेटी, मतलब एम की जो बेटी है, तो सीधे ऊपर चले आए और यहाँ पे लिख लिए बेटी, क्योंकि बेटी का नाम नहीं दिया, और बेटी अगर है तो वो जेंडर होगा फीमेल, तो उसके लिए हम माइनस का निशान बना लेते हैं। बेटी के पिता, अब बेटी के पिता, अब एम का जेंडर नहीं पता तो हो सकता है एम ही क्यों ना हो, लेकिन अब ये भी नहीं पता, हो सकता है एम जो है वो लड़की मतलब औरत हो, तो इसके लिए एक नीचे लाइन लाते हैं, इतना इससे कंफर्म हो जाता है कि एम जो है इसके समकक्ष होगा, तो यहाँ पे हम रख लेते हैं प्लस, क्योंकि ये है पिता। पिता की माता मतलब इसकी जो माँ है, की माता, एम की जो माता है, उसके बाद क्या लिखा है के बेटे हो, हमारी बेटी के पिता के माँ के बेटे हो। अब इसका जो एन जो है वो इसका बेटा है, और एन हो गया प्लस। अब देखिए इसके अंदर दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि एम जो है वो इसका भाई भी हो सकता है एम का, क्योंकि अगर एम जो है वो प्लस हो जाएगा मतलब लड़का हो जाएगा तो एन जो है इसका भाई हो जाएगा, लेकिन अगर एन लड़की रहेगी देन एम जो है एन की भाभी रहेगी, और एन जो है एम के पति का भाई रहेगा। तो अब देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या है, हमारा ऑप्शन जो है वो पहला ऑप्शन है एन एम के पति का भाई है, दूसरा ऑप्शन है एन एम का सुपुत्र है। तो देखिए एन और एम दोनों एक लाइन में आ रहे हैं तो सुपुत्र तो नहीं हो सकते, कट गया। तीसरा जो ऑप्शन है एन एम का पिता है, अब फिर से लाइन में आ रहे हैं तो पिता भी नहीं हो सकता, तो ये भी कट जाएगा। और तीसरा है एन एम का पुत्र है, लाइन में आ रहे हैं तो पुत्र भी नहीं हो सकता, तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन बचता है, वो है कि एन एम के पति का भाई है, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट है। तो दोस्तों आप देख चुके हैं कितने सिंपल रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं, अगर हम मात्र 15 से 20 दिन, बहुत ज़्यादा लेके चलें तो 1.5 महीना, अगर 1.5 महीना बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेते हैं दिलो जान लगा के एकदम झोंक के, परीक्षा आराम से, ये वर्दी आपकी। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में।